उत्तर प्रदेश के आगरा में तेज आंधी और बेमौसम हुई भयंकर बारिश ने कल रात आगरा शहर का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया, तो वहीं कई लोगों की जानें भी ले ली। आंधी और बारिश का असर मोहब्बत की मिसाल इमारत ताजमहल पर भी पड़ा। कल रात की आंधी में ताजमहल के रॉयल गेट और दक्षिणी गेट पर बने गुलदस्ते दर्शायी हो गए। इसके साथ ही कई जगह से पत्थर निकलकर नीचे गिरने की खबर है। ताजमहल के पश्चिमी गेट के ऊपर फतेहपुरी महल बेगम का मकबरा है, वहाँ से भी पत्थर तेज आंधी और बारिश से उखड़ चुके हैं। इसके साथ ही इसके पूर्वी गेट पर CISF के ऑफिस के ऊपर अकबरी महल बेगम के मकबरे के ऊपर का गुलदस्ता नीचे गिरकर टूट गया। हालांकि रात में ताजमहल बंद होने की वजह से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ASI ने सर्वे करना शुरू कर दिया है, जहां टूट फूट हुई है उसका जल्द पूर्ण निर्माण किया जाएगा। अपना नाम जाना चाहेंगे? हाँ जी, ताहिरुद्दीन ताहिर। ताहिर जी का साउथ गेट पर आपका घर है, मकान है, तो कल जो तूफान आया क्या नुकसान उससे हुआ है ताज को? ताज को देखा जाए तो एक बहुत पुरानी इमारत को साउथ गेट की मीनार गिर गई है। उसके बाद जो मेन गेट है जिसे रॉयल गेट कहते हैं उसकी भी मीनार गिर गई है। ये एक तूफान क्या था, एक बहुत बड़ा बवाल था। अगर कुछ देर और टिकता चला क्या से क्या हो जाता, मालिक का करम हो गया कि कुछ नुकसान तो हुआ, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ। पेड़ भी अंदर ताजमहल में टूटे हैं, सड़कों पर टूटे हैं, मकान भी गिरे हैं। मैंने अपने जीवन काल में पहली बार इतना खतरनाक तूफान देखा। मैंने बहुत से देखे लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। वो तो शाम का टाइम था, गेट बंद हो चुका था, पर्यटक नहीं थे। पर्यटक होते तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता, बहुत हादसे होते। जिस तरीके से 9-10 फुट लंबे, 20-20 फुट लंबे गार्डर उखड़ के पड़ोस में से दूसरी छतों पर जाके गिर गिर गए और बहुत नुकसान हुआ है। मालिक रहम करे, ये बहुत बड़ा बवाल है, इसको बस दूर रखें।